ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 28। सॉरी, ये श्लोक है हमारा, युञ्जन् एवं सदात्मानम्। हो चुका लेकिन फिर भी एक बार बोल रही हूँ कि कहीं से कुछ कोई कमी लगती है तो हम पूरा कर लें उसको। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखम अश्नुते। बहुत बार याद नहीं रहता, ब्रह्म स्पर्शम शब्द तो है ब्रह्म स्पर्शम, पर हमने सिर्फ ब्रह्म स्पर्श तक बोलना है हमारे 8 अक्षर अनुष्टुप छंद के मुताबिक। स्पर्श श पे ख़त्म हो जाते हैं इसलिए मत्यंतम कहा है हमने, लेकिन वास्तव में शब्द है अत्यंतम और ब्रह्म स्पर्शम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सुखम प्लस अश्नुते हमने इकट्ठा बोला, सुखम अश्नुते। अश्नुते का मतलब अनुभव करता है। पहला वर्ड है युञ्जन् एवं सदात्मानम्। युञ्जन् प्लस एवं और आगे सदात्मानम्, सदा प्लस आत्मानम्। एवं इस प्रकार, आत्मानम् अपने आप को, सदा युञ्जन् अपने आप को निरंतर। युञ्जन् का मतलब लगाता हुआ, किस में लगाता हुआ, परमात्मा में लगाता हुआ। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ, विगत कल्मशः, विगत का मतलब रहित हो गया है, कल्मशः जो पाप रहित, जिसके पाप समाप्त हो चुके हुए हैं, पाप रहित हो गया हुआ है। इस प्रकार परमात्मा में अपने आप को लगाता हुआ पाप रहित योगी, योगी से पहले विगत कल्मश से पहले आया हुआ योगी, पाप रहित योगी। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप, जो उस निर्गुण निराकार के उसमें एकीकार हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ छूट के सब कुछ खत्म हो जाता है, बस उसी में एकाकार हो जाता है। जब तक हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से आए हैं, जब तक परमात्मा में मिल नहीं जाते तब तक मुक्ति नहीं है। तो कामनाएं जितनी देर हैं उतनी देर तो आवागमन का चक्कर बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ पहले चल रहे हैं श्लोक पहले से, उसमें कहा है सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप। सुखम अश्नुते, सुख का अनुभव कर लेता है। ये जो ब्रह्म प्राप्ति रूप जो सुख है, ये सब सुखों से ऊपर है। इस संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे क्षणिक हैं, वो आज मिला तो कल खत्म भी हो सकता है, और अत्यधिक भी मिल जाता है, कई बार ठीक ठीक भी मिलता है, हमारे कर्म के मुताबिक है। लेकिन जिसको परमात्म तत्व अनुभव हो गया, उसको जो सुख प्राप्त होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। उसको हम अनुभव कैसे करते हैं, उस सुख को जो अनुभव करता है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता, उसमें करुणा, उसमें दयालुता, और उसके सभी कर्म यज्ञ बने हुए होते हैं। उसके कर्मों में दूसरों का सुख छुपा हुआ होता है। जिसने परमात्म तत्व को अनुभव कर लिया है, उसको जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख जो है सभी सुखों से ऊपर है, जिसे शाश्वत सुख कह सकते हैं, आत्यंतिक सुख कह सकते हैं, और अक्षय सुख। क्षय का मतलब नाश होने वाला, समाप्त होने वाला, अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता। तो हमारा ये श्लोक यही है,
कि इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी जो परमात्मा में पूरी तरह से स्थिर हो गया है उससे पाप नहीं होते, वो गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाता है। तामस गुण तो ठीक है, गुण अपनी जगह ठीक है, तामस गुण भी हमारे लिए कहीं हद तक कुछ ठीक है। तामस गुण का मतलब आलस निद्रा प्रमाद, लेकिन हमें सारा दिन की थकावट के बाद जो थोड़ी समय के लिए हमें नींद चाहिए है तो वो तामस में है, पर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए कहा है परमात्मा की बनाई हुई चीज को हम ये नहीं कह सकते ये ठीक नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग किस ढंग से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप सब्जी में नमक मिर्च अगर प्रॉपर है तो बहुत टेस्टी लगेगी, और अगर सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा हो गया उसका टेस्ट ही नहीं ठीक रहेगा। तो ऐसे ही ये कहा है कि तमोगुण, तमोगुण को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हमने उसका प्रयोग उसको अपने जीवन में लाना कितना का है ये देखना है। हमने ज्यादा जो नींद है फिर वो निठल्ला कर देगी, काम करने को मन नहीं कहेगा। लेकिन यहां पर कहा हुआ है विगत कल्मशः, जिसका पाप समाप्त हो गए हैं, जो तमोगुण से भी ऊपर उठ गया है, गुणातीत ही हो गया है, तो फिर वो कहा है वह ब्रह्म सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख का अनुभव करता है। वो सभी में उस परमात्म तत्व को देखता है और उसका वो सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अब मैंने आपसे सुनना है एक एक से, इसी श्लोक को आप पढ़ेंगे और जो ना बोल पाए कोई बात नहीं, संस्कृत में बोल देना। और सबसे पहले गुलशन मैडम एक बार स्टार्ट करिए। ओम श्री परमात्मने नथ षष्ठो अध्यायः श्लोक नंबर 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो योगी है वो योगी तभी बना जब उसने अपने सारे जो दुख थे पाप थे वो सारे उसने अपने छोड़ दिए, सुख सभी छोड़ दिए और पाप रहित वो हुआ, और तभी वो और आगे भी उसको आनंद भी तभी मिलेगा जब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के सानिध्य से जो उसको सुख मिलेगा वो उसका निरंतर सुख होगा। तो इसलिए उसको अपनी आत्मा को परमात्मा में वो लगाता हुआ जिस परब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति रूप जब प्राप्ति उसे हो जाएगी तो वो जो सुख है वो जो आनंद है उसका जो अनुभव है वो अलग ही तरह का होगा। वो अनुभव जो है वो सारे सुखों से ऊपर है। जितने दुनिया के विषयों से मिलने वाले सुख तो है वो नाशवान है, वो तो थोड़ी देर के लिए मिले और खत्म हो गए, लेकिन जो परमात्मा का प्राप्ति का सुख है वो एवर लास्टिंग है, हमेशा रहने वाला है। उस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो इसलिए हमें संसारिक सुख वैभव को छोड़कर उस परमात्म प्राप्ति रूप आनंद का अनुभव करना चाहिए, उस परमात्मा की प्राप्ति हमें करनी चाहिए, तभी हम हमेशा आनंद में और सुख में रह पाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ जी मेहता मैडम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः श्लोक नंबर 28। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। इसमें जैसे पिछले श्लोकों में ध्यान के बारे में बताया है तो इसमें आके भगवान कहते हैं कि जो योगी इस प्रकार अपने आप को सदा निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है और पाप रहित योगी जो है वो जब परमात्मा में एकीकार कर लेता है तो उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सुख है जो शाश्वत रहने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होता, और जो बाकी संसार के सुख हैं वो क्षणिक हैं, लेकिन ये सुख जो है वो शाश्वत है। और जो इस सुख को प्राप्त जो योगी इस सुख को प्राप्त कर लेता है
उसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहती है, उसका हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा रहता है और वो अपने मुक्त जो संसार के द्वंद है उनसे मुक्त रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता, उसे उस चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता और संसार के भोगों से भी रहित होता है और उसके कर्म जो है वो स्वार्थ रहित हो जाते हैं और वो गुणातीत हो जाता है। ऐसा जो योगी है वो परमात्मा को प्राप्त करने के बाद उसको परम सुख की प्राप्ति होती है जो उसके जीवन के लिए बहुत ही शांति का कारण बनती है और जो इस सुख को प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा को ही एक तरह से प्राप्त कर लेता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी रीटा जी। हाँ जी, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः, श्लोक नंबर 28। युञ्जनेवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। इसमें भगवान जी ने कहा है कि योगी कैसा है कि जो अपने आप को परमात्मा में लगाता है, अर्थात क्या है कि वो योगी कुछ भी चिंतन नहीं करता, यानी कि ना अंदर से और ना बाहर से, क्योंकि अगर बाहर से वो सुखेन होगा यानी कि सुख को प्राप्त कर लेगा तो भीतर से भी वो धीरे 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 अपना शांत होता चला जाता है, क्योंकि उसका जितना भी उसका जो परमार्थ के लिए उसका कार्य होगा सारे का सारा, क्योंकि ना उसको किसी से आसक्ति होगी, ना किसी से द्वंद होगा, ना किसी से द्वेष होगा, वो अपनी इस स्थिति से जब ऊपर उठता चला जाता है इंसान, तो वो योगी जो है वो कहते हैं ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्म की स्थिति जब प्राप्त होती है तो वो ऐसा सुख है जो शाश्वत है, सत्य है, जो ना मिटने वाला है, और कभी भी वो अपने आप को ऐसा नहीं सोचता कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, जैसा मिला वैसा उसने प्राप्त किया, जैसा खाया जैसा सोया जैसा किसी से बात की, यानी कि वो सम रहता है हर स्थिति के अंदर, उसका जो है संभाव होना शुरू हो जाता है, तो वो जो सुख उसको प्राप्त होने लग जाता है तो वो उसकी जो ब्रह्म स्थिति है वो अपने आप ही स्वतः ही होने लग जाती है। कहते जब ऐसी स्थिति आती है स्वतः स्वतः ही अपने आप ही होने लग जाती है वो स्थिति उसकी, उसी को शाश्वत अत्यंतिक और अक्षय सुख कहा है। बहुत अच्छा, हाँ जी बहुत अच्छा बोला। हाँ जी कौन रह गया, दीपा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, 28वां श्लोक। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अपने को लगातार परमात्मा में लगाए रखता है, यानी अपने अपना ध्यान परमात्मा में लगाए रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, और ब्रह्म और जीव का जब एकीकरण हो जाता है, जब ध्यान और तपस्या से और लगातार ईश्वर की तरफ ध्यान करने से जब ब्रह्म और जीव दोनों का एकीकरण हो जाता है, फिर उसको एवरलास्टिंग जैसे बोलते हैं ना शांति, ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाता है और वो हमेशा सुख और आनंद में ही रहता है। ऐसा सुख जो प्राप्त हो जाता है वो कभी मिटने वाला नहीं है। यहाँ पर नैष्ठिक शांति भी कह सकते हैं उसको। यहाँ वर्ड जो कहा है विगत कल्मशः, पाप रहित हो चुका हुआ है वो परमात्मा में लगाता हुआ। पीछे से श्लोकों में आ रहा है ना कि मन को पहले उधर इधर उधर से हटा लिया और फिर मन को पूरी तरह से वो क्या, यहाँ तो हो चुका है वो पाप रहित। जब वो पाप रहित हो चुका है तो बिल्कुल वो फिर ब्रह्म में ही एकाकार हो जाता है और कुछ इधर हाँ फिर जो उसका सुख है वो अक्षय सुख, शाश्वत सुख, आत्यंतिक सुख,
या नैष्ठिक शांति भी जिसको बोल सकते हैं वो कहा है उसे, ऐसे सुख का वो अनुभव कर लेता है। बहुत अच्छा बोला। हाँ जी कोहली मैडम। हाँ जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। हाँ जी इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो योगी अपने शब्दों में थोड़ा बहुत बोल दे, कोई बात नहीं, अपने शब्दों में कोई एक आधी लाइन बोल दो। चलो अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी रजनी मैडम, कोई बात नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 28। युञ्जन् नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। इसे भगवान कहते हैं कि जिस योगी के जिसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं और जो अपने आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सदा सुख का अनुभव करता है, ऐसा योगी उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। सगुण उपासना में भगवान का हमारा ध्यान भगवान की ओर स्वतः ही लगता है, भगवान अपनी ओर खींचते हैं हमको, और निर्गुण उपासना में हमारा ध्यान योगी का ध्यान बहुत इधर से उधर भटकता रहता है, वहां ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है इतना भी बहुत है, मतलब कि जब पूरी तरह से कहा कि निर्गुण में इधर उधर भटकता तो है लेकिन हमने तो उसको लाके इधर उधर से हटा के उस परमात्मा में ही लगाना है। धीरे धीरे उसमें अभ्यास की बात हो गई लेकिन इसमें सीधा कहा है कि बस परमात्मा में ही, बस हमारा एक हमने हर चीज में मूल रूप में उस परमात्मा की सत्ता को देखना है, उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं चल सकता। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई शुरू में कहते जिसने बनाया लेकिन परमात्मा तत्व नहीं था जब बीच में तब कुछ नहीं था, तो फिर परमात्मा ने जब अपना अंश उसमें डाला उसके बाद क्रियाएं शुरू हुई। तो हमने तो हर समय ये ध्यान रखना है कि उसकी सत्ता को ना भूल जाएं, उसकी सत्ता से हम सिर्फ काम कर रहे हैं। अगर उसकी रेजिस्टेंस ना हो हमारे शरीर में तो ये शरीर कार्य नहीं कर सकता। तो हर समय इस श्लोक में यही कहा है कि अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव करता है। और किसकी टर्नी आई? जितना भी आपने बोला बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी बोलिए सुषमा जी बोलिए। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि अपने आप को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ पाप से रहित हुआ योगी उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का जो सुख है उसके रूप में वह जो अत्यंतिक सुख है जो कभी ना नष्ट होने वाला सुख है उसको उसकी प्राप्ति करता है। अर्थात जब उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है तो वो जो सुख है उसको शाश्वत सुख मिलता है, संसार के सारे सुख नाशवान है, लेकिन ये जो सुख है वो हमेशा रहने वाला है। जिस योगी के मन में ये सुख होता है या जो भी ऐसा अनुभव करता है तो उसको बाहर के सुख से कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपने में ही रमण करता है, अपने में ही खुश रहता है। बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्
गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। धन्यवाद।